हेलो, गुड इवनिंग गाइस। गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम TGT मैथ्स फीमेल जो कि 10/9/21 को हुआ था और इसकी शिफ्ट थी 12:30 से 2:30, इसका मैथ सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 11 एंड 12, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज। HCF दिया हुआ है 21 और LCM के बाकी फैक्टर्स हैं 11 और 12। हमें पता है HCF भी LCM का एक फैक्टर रहता है। जब LCM का फैक्टर ये 11 और 12 भी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो नंबर होते हैं वो HCF इंटू फैक्टर, को प्राइम फैक्टर जो रहता है उसका मल्टीपल होता है। ऐसे ही दूसरा भी HCF इंटू फैक्टर है ना, HCF तो कॉमन होता ना दोनों में। तो क्या हमारे नंबर ये नहीं हो गए? 21 इंटू फैक्टर क्या हमारा 11, दूसरा नंबर क्या हो गया 21 इंटू 12 है ना। अपने दो नंबर्स ये हो गए, अब मल्टीप्लाई कर लो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 एक 23, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। हमारे दो नंबर्स हो गए 231 और 252, यानी 231 और 252। पूछा क्या है? द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज, लार्जर कौन सा है? 252। आगे समझ में? कुछ नहीं करना, HCF की मल्टीप्लाई कर देनी है। छोटा नंबर पूछे जो छोटा नंबर, बड़ा पूछे तो बड़ा नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राधिका परचेजेस एन आईफोन एंड अ टीवी फॉर 40,000 एंड 10,000। शी सोल्ड द फर्स्ट एट लॉस ऑफ 12% एंड द सेकेंड एट प्रॉफिट ऑफ 8%। वॉट इज हर ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट? 40,000 में क्या खरीदा? आईफोन। 10,000 का टीवी। आईफोन को 12% लॉस पर बेचा और हमारे टीवी को 8% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट? देखो, 40,000 पे 12% का लॉस यानी 4800 रुपये माइनस लॉस में गया, 8% का प्रॉफिट यानी 800 रुपये, तो ओवरऑल कितना हुआ? 4800 माइनस में यानी कि 4,000 रुपये हमारा लॉस या फिर हानि हुआ, ठीक है। ये तो सिंपल था बिल्कुल। अगले सवाल पे आ जाओ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर वाज 1500 रुपीज, दिस प्राइस वाज मार्क्ड अप बाय 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ऊपर 20% मार्कअप किया गया। चेयर वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ मार्केट प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मतलब 1500 रुपये पे 20% का मार्कअप करा और जो हमारा यहाँ पे मार्किंग प्राइस आया उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो, 1500 पे 20% का मार्कअप जब करेंगे तो 1500 20% को कहते हैं 120/100 यानी 6/5। तो 6/5 निकाल लो इसका, 300 × 6 = 1800 और इस पे 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है 90/100 यानी 9/10। 9/10 निकाल दो इसका, 18 × 162 यानी 1620 रुपये में बेच देगा इस सामान को। आगे समझ में? अब नेक्स्ट सवाल करो। द टोटल सम ऑफ अमाउंट्स ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ 4 years and 2 years रेस्पेक्टिवली ऑन द सेम प्रिंसिपल इज 20,020। इफ ए इज चार्ज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एंड बी इज चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, फाइंड द प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है कि 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 10% की रेट से और 2 साल के लिए 5% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट। जो टोटल सम है मनी का, अमाउंट का, वो 20,020 है। एक और चीज, प्रिंसिपल सेम है, हम 100-100 मान सकते हैं दोनों के पास, इसके पास भी 100, इसके पास भी 100। 4 साल के लिए जब 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट यानी 40% मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है 10 10 10 10 40%, तो इसके साथ जब मिलेगा तो 140 हो जाएगा। 2 साल के लिए 5% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कैसे निकालते हैं? 5 + 5 + 5 के ऊपर 5% यानी 0.25, कितना हो गया? 10.25। इसमें जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110.25। इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या बनेगा? 250.25। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी?
20,020। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपए। प्रिंसिपल कितना होता है, 100। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 जीरो चुपका दो, 8,000 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ए वॉल इज कंस्ट्रक्टेड विद डाइमेंशंस 22 मीटर, 9 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। इन चीजों को ध्यान रखना है, मीटर कहाँ है, सेंटीमीटर कहाँ है। इफ 20% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विद मोर्टार एंड ईच ब्रिक मेजर्स 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ऐसे ही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 22 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में, 2200 सेंटीमीटर इंटू 900 सेंटीमीटर इंटू में 72 सेंटीमीटर। ये तो एक और चीज़, 20% जो मोर्टार है इसका मतलब 80% वॉल बची होगी जिस पर ब्रिक लगानी है, तो 80/100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है, 22 × 12 × 9, 22 × 12 × 9 काट लो, ये 100 आ गया, ये 12 × 72 और 900 बार गया, 100 से 100 चला गया, ठीक है, ये हो गया 8 × 48 और ये 1 2 3 0 48000, इतना हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में, अगर 20% ना होता फुल होता तो 80% नहीं निकालते, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, देखो बार ग्राफ दिया हुआ है लेकिन इसमें बार ग्राफ दिख नहीं रहा मुझे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में बार ग्राफ दे नहीं रखा, तो आप मुझे भेज देना, मैं इसे ग्रुप में करा दूंगा टेलीग्राम वाले में, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, अ मैन इन्वेस्टेड ₹10,000 ईच इन टू बैंक्स एट द सेम रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर्स, बट वन एट सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर इज कंपाउंडेड एनुअली, आफ्टर 2 ईयर्स द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सम इन्वेस्टेड। देखो 10,000 रुपये यानी 10,000 रुपीज दो अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट करें, एक को सिंपल इंटरेस्ट एक को कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों की रेट 8% है, टाइम कितना है 2 साल, इस पे भी 8% लेकिन कंपाउंड है 2 साल। पूछ रहा है 2 साल के बाद इंटरेस्ट जो है टोटल सम का कितना है। देखो इस पे कितना मिलेगा, 8 पहले साल, 8 ही दूसरे साल, 16%। 10,000 का 16% क्या हुआ, 1600 रुपये, ठीक है। इस पे कितना मिलेगा, 8 + 8 = 16 प्लस 8% मिलेगा यानी 0.64, तो 16.64% इस पे मिलेगा। 10,000 का 16.64% कितना हो गया, 1664। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 1600 और 1664 यानी 3264। कितने पे मिला, 10,000 और 10,000 20,000 पे इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, 0 से 0 गया। अब इसे काट लो, 16, 32 और ये नीचे 2 जीरो है तो 2 पॉइंट लग जाएंगे इधर, यानी 16.32%। इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हम 100 मान के, 10,000 ना माने क्योंकि परसेंटेज ही निकालनी है, तो 100 इसे मानो, है ना। इस पे मिलेगा 16% और इसे मिलेगा 16.64%, टोटल कितना हुआ, 32.64। कितने पे, 200 पे, कितना परसेंट हुआ, 2 से भाग कर लो, 16.32%। आगे समझ में, अब नेक्स्ट सवाल देखो। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 450 मीटर इज क्रॉसिंग अ रिवर ब्रिज विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड ए बोट इज ऑल्सो क्रॉसिंग द रिवर विच इज जस्ट बिलो द ब्रिज, द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 150 मीटर एंड द लेंथ ऑफ बोट इज 50 मीटर, वॉट शुड बी द स्पीड ऑफ द बोट सो दैट बोथ विल रीच टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एट द सेम टाइम। देखो जब टाइम इक्वल है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा, डिस्टेंस दोनों कितना ट्रेवल कर रही हैं। देखो ट्रेन जब पार करेगी तो अपना डिस्टेंस प्लस ब्रिज का डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगी, यानी टोटल डिस्टेंस 600। जब बोट ट्रेवल करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपना प्लस ब्रिज का,
यानी 150 और 200, तो रेशो कितना गया डिस्टेंस का, 3:1। यही रेशो स्पीड का भी होगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब देखो ट्रेन की स्पीड क्या है, 15, इसके हिसाब से स्पीड क्या है, 3 यूनिट, इसकी वैल्यू है 15, कितने गुना हुआ, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा। तो बोट की स्पीड क्या आई, 5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये सवाल काफी टफ लगा बच्चों को, कैसे करेंगे, 66 × 66 / 11 × 8 / 8 / हमें पता है पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसे कैसे करेंगे, 11 × 55 = 11 × 44 यानी 54। उसके बाद में लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, जब डिवाइड एक साथ कई सारे आ जाएं, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो इसे करेंगे 6 आएगा, 66 × 6 × ये 8/8 क्या होगा, 1 × 1/54, 1 की तो किसी में भी करेंगे यही आएगा, तो आंसर क्या है, 66 × 6/54, 6 × 5 = 54, 3 × 3 = 9 और 22 × 3 = 66 यानी 22/3, 22/3। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, PQRS entered into a partnership by investing the capital in the ratio 2:3:5:4। इस रेशो में कैपिटल थी इनकी 2:3:5:4। इफ पी इन्वेस्टेड द मनी फॉर 9 मंथ, पी ने 9 महीने, क्यू ने 8 महीने, आर ने 4 महीने और एस ने 6 महीने, इतने महीने इन्वेस्ट करें, फाइंड द शेयर ऑफ आर इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 64500। 64,500 रुपये का टोटल प्रॉफिट है, हमें पता है प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 18, 8 × 3 = 24, 5 × 20, 4 × 24 यानी 4×6 = 24। देखो कट रहा है तो काट लो, वरना ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से काट लो, 2 × 18 = 12, ये 10 और ये 12। अब देखो टोटल वैल्यू है ये हमारे हिसाब से कितनी है, 12 × 12 = 24, 10 = 34, 43। तो 43 और इंटू 5 1500 आ गया। क्या बताना है, फाइंड द शेयर ऑफ आर, आर का शेयर कितना है, ये पी क्यू आर, ये 10 यूनिट है, 10 और चिपका दो तो आर का शेयर आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, हाँ भाई ये वाला देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, हमें पता है जब अप्रोक्सीमेट ही निकालनी है तो हम इसे 18 मान लेंगे, 18 × 50 क्योंकि ऑलमोस्ट 50 है, माइनस ये 30 × 7 ये हो गया, प्लस 360 इक्वल टू एक्स इंटू 30, ठीक है कैलकुलेट कर लो, 900 − 210 प्लस 360 = 30x, ये कितना हो गया, 900 × 300 = 1200 − 210 यानी 1050, और ये 30 है तो इससे कट जाएगा कितनी बार, 35 बार। तो अप्रोक्सीमेट पूछा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, ये फिर से टेबल वाला सवाल, लेकिन टेबल दी नहीं हुई इसमें, तो इसे भी बाद में करेंगे ग्रुप में। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, ये 2/3 of 48 कितना हो गया, 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32 प्लस ये कितना, 7 प्लस 1/4 = 64 का 16, 96 का 1/4 कितना होगा, 24 माइनस 2 × 7 = 14, है ना। अब कैलकुलेट कर लो, 32 प्लस ये 7 से 7 चला गया, ये प्लस ये माइनस है, 24 × 16 = 40 यानी प्लस का 40 बचा हमारे पास, 40 और 32 = 72, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, सुनीता एक काम को 21 दिन में कर सकती है और सरिता 15 दिन में, दोनों का एलसीएम 105, 21 × 105, 15 × 7 = 105, ये सुनीता है ये सरिता, सरिता ने 10 दिन काम करा यानी कितना काम किया होगा, 10 × 7 यानी 70 काम कर लिया, बचा कितना, 105 में से 35 बचा
किसने किया? सुनीता। सुनीता की एफिशिएंसी 5, कितने दिन में करेगी? 5 × 7 = 35, 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। 40 ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है, मीन बोल लो एवरेज बोल लो, 30 है। बाद में पता चला कि 32 को 20 लिख लिया गया। अब देखो 32 को जब 20 लिखा है तो इसका मतलब एवरेज कम आया होगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ को कम लिख लिया। कितना डिफरेंस आया? 32 - 20 कितना आ गया? 12। ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 40 लोगों में, क्योंकि 40 ऑब्जर्वेशन है तो 40 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 0.3 प्लस में। प्लस में क्यों लिया हमने? क्योंकि ज़्यादा आना चाहिए, हमने कम लिया था 20 वाला, ज़्यादा आएगा। तो पहले एवरेज कितना था? 30, अब कितना होगा? प्लस 0.3 यानी 30.3। इसे ऐसे भी कर लो, 40 ऑब्जर्वेशन का 30 है तो 40 × 1200 हो गया। हमने 20 लिख लिया था तो 20 को माइनस कर दो, अब कितना लेना? 32, तो कितना हो गया? 1212। ऑब्जर्वेशन कितनी? 40, 40 × 120 और 40 × 120 30.3। कैसे भी कर लो, आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, जून में निखिल की एवरेज एक्सपेंडिचर पहले 10 दिन के लिए 700, तो टोटल कितनी होगी? 7000, 10 × 700। हर 10 दिन में 15 कम हो जाती है, 15 जब कम हो रही है तो अगले 10 दिन कितनी रहेगी? 685, और 10 दिन के लिए रही तो 6850 टोटल हो गई, फिर 15 कम होगी यानी 670, यानी 67010, और क्योंकि 10 दिन के लिए निकाल रहे हैं, टोटल कितनी होगी? 0, 5, 8, 7, 15, 7, 6, 13, 6, 19, 20। ये एक्सपेंडिचर है, टोटल अर्निंग 23000 है, अर्निंग में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, सेविंग आ जाएगी 0542। हमारे कितनी हो गई सेविंग? 2450 कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, द मंथली इनकम ऑफ हरी एंड कृष्णा टुगेदर इज 26900, द इनकम ऑफ हरी एंड कृष्णा इज इंक्रीज बाय 20% और 25%। ये हरी है, इसकी 120% हो गई, ये कृष्णा है, इसकी 125% हो गई, बढ़ गई 100% होती है टोटल, 20% बढ़ गई यानी 120%। द न्यू इनकम ऑफ कृष्णा, कृष्णा की जो न्यू इनकम है यानी 125% कृष्णा की जो है, बराबर कितना है? 120% ऑफ न्यू सैलरी ऑफ हरी। 120% किसका है? हरी की कितनी थी? 120% दोबारा से, इसका 120% है। कैलकुलेट कर लो, कृष्णा अपॉन हरी, ये कितना हो गया? 25 × 125 और ये हो गया 24 × 120। इसका भी 120% निकालेंगे, 120 को कहते हैं 120/100 यानी 20 × 120, 20×100 तो 6/5 निकालेंगे, 6/5 की मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 24 × 6 नीचे 25 आएगा, ये 25 इधर आ जाएगा, × 5 24 × 144 25×125 ये आ गया कृष्णा और हरि की इनकम का रेशो। टोटल इनकम कितनी थी? 26900, हमारे हिसाब से कितनी है? 269, तो 20 चिपक रही हैं। क्या पूछा था? हरि की इनिशियल इनकम, हरि की कितनी है? 125, तो 20 चिपका देंगे अगर हम, तो हमारी हरि की इनकम आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करो अब, राम श्याम और घनश्याम बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:4:3 में। ये राम है, ये श्याम, ये घनश्याम। श्याम भाग जाता है, रिटायर हो जाता है, एंड वो अपना 1/4 शेयर राम को देता है और रिमेनिंग घनश्याम को। जब 4 में से 1/4 कितना होता है? 1 + 1, तो इसे दे दिया, और बाकी कितना बचा? +3, ये इसे दे दिया। तो दोनों का रेशो पूछा, राम और घनश्याम का, इसके कितने हो गए? 5:1:6 और इसके 3:3:6, क्या रेशो हो गया? 1:1। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, दो बर्तन हैं ए और बी, उसमें पानी और अल्कोहल का रेशो कितना है? 1:4:4:5। तीसरे वेसल सी में मिक्स करे गए, जिसमें रेशो क्या हो गया? 2:3। तो पूछ रहा है किस रेशो में मिक्स करे गए, तो या तो पानी लेके कर लो या अल्कोहल, तो मैं पानी लेके कर रहा हूँ। पानी का रेशो कितना है? 1/5, इसमें कितना है? 4/9, एलिगेशन से कर रहे हैं हम, इसमें कितना है? 2/5।
अब इसे फ्रैक्शन को हटा लो, 9 और 5 कैल्शियम 45, 45 से मल्टीप्लाई कर लो, कर ली, इसमें भी कर ली, 5 नीम 45, ये 9 आ गया, ये कितना हो गया 9 पंजे 45, ये 20 और ये 9 दुनी 18। अब देखो ये 20 में से 18 गए 2, 18 में से 9 गए, कितने रेशो मिलाया था 2:9 में। एल्कोहल लेके करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। अब लास्ट सवाल करेंगे इसका, 3 नंबर 2:5:7 में है, उनका एलसीएम 2100, तो हम पहले नंबर ले लेंगे 2:5:7। एक चीज़ देखो, एलसीएम में क्या लेते हैं, कॉमन नंबर को एक बार लेते हैं, बाकी सबको ऐसी, क्या इनमें किसी में कुछ कॉमन है, नहीं, तो इनका एलसीएम क्या है, 7 × 5 = 35 × 70 एलसीएम है, और वैसे कितना एलसीएम 2100, तो 70 यूनिट की वैल्यू 2100 है, तो एक यूनिट की 30 हो गई। जब एक यूनिट की 30 हो गई, इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन नंबर, क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, एक यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 30। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।